दानियाल दानियाल ये पकड़ो जिन एजेंसी के बैठे अभी निकलेंगे ना उनसे बात करनी है सही है आ जाओ आ जाओ भाई अस्सलाम वालेकुम तैमूर भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं तैमूर भाई। ये बताइएगा, आप फिक्सिट के साथ इस कॉज में क्यों शामिल हुए? क्योंकि पहले तो अब्बा इसमें थे, तो शुरू में मैं जब अब्बा थे तो उस वक्त मुझे इस बात की फिक्र थी क्योंकि अब्बा थे, मैंने कहा उनके पीछे हम फॉलो करे थे ब्लाइंडली। अब उनके जाने के बाद मैंने रियलाइज किया कि वो क्या क्या काम करते थे, और आहिस्ता आहिस्ता मैं सब कामों में उनके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जो वो लोग काम कर रहे थे पहले जिसमें वो जुड़े हुए थे, उन समय मैं जुड़ने की फुल कोशिश कर रहा हूँ। जुहैद भाई माशाल्लाह हमारे साथ हर कैंपेन में हमारे साथ, तो फिजिकली अगर नहीं भी होते थे तो उनकी दुआएं हमारे साथ होती थी। तो आपने अपने वालिद साहब की सीट को बरकरार रखा, पहले तो हमें इस चीज की बहुत खुशी है। दूसरी चीज हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आप हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से? मैं हुकूमत को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप इस बात को रियलाइज करो कि भाई ये आवाम जो है खुद निकल रही है और खुद इस पे मेहनत करी है, तो अब गवर्नमेंट को भी ख्याल आना चाहिए कि ये काम उनको करने चाहिए। एक बात तैमूर भाई आपसे पूछना चाहूंगा, वोट तो हम गवर्नमेंट को देते हैं फिर भी हम ऐसे इदारे कायम कर लेते हैं जो फलाह बहबूद के लिए कौम के लिए काम करते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहोगे? अच्छा चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया तैमूर भाई, और उम्मीद करते हैं हम कि आइंदा भी आप हमारे साथ इस तरह जुड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। ये तैमूर भाई थे जो जुनेश जमशेद जो भाई थे उनके बेटे हैं ये, उनकी रीत कायम रखा है इन्होंने और इसी चीज को जो है वो इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ाया, और जुनेश भाई भी हमारे साथ फिक्सिट की मुहिम में जुड़े हुए थे, और फिजिकली बेशक वो हमारे साथ कभी होते थे कभी नहीं होते थे, लेकिन उनकी दुआएं हमारे साथ हमेशा मौजूद होती थी, और हम पुरुमीद हैं कि उनके जो बेटे हैं उनके जो साहबजादे हैं वो इस चीज को कंटिन्यू करेंगे और आने वाले दिनों में हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इस फिक्सिट के इस नेक काम में हमारा जरूर साथ देंगे।